तो नकली है, नकली बंदे ना वोट देंदे ना सपोर्ट देंदे। यूं क्या तो पसंद है? पसंद यो नु है किसी नेता का नु हाथ पकड़ के दिखाइए तो उसके लत्ते नु करके दिखाया जाए तो पसंद है शरीफ फीता है। अच्छा, और इसी पकड़ ले भाई। और पकड़ ले क्यों नहीं पकड़ ले? दूसरा नेता का दूसरे का पकड़ के दिखाइए तो खट्टर का नु कौन फरसा मार दो के को नाड़ काट देंगे। ना जी, हमारे बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, हां कोई काम नहीं कराया जी। मैं तो गांव में बहुत सारी योजना लेकर आए हैं। कोई योजना नहीं है, कागज उठवा दिए सबके आदमी, गरीब आदमी का कागज उठवा दिए ना, कर दिए सारे आदमी ऑनलाइन कर दिए सरकार ने। 10 साल में तंग आ गए इस सरकार था। अच्छा, पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे अब की बार। देखो ये देखो भाई, देख भाई ए देख भाई, राहुल गांधी जिंदाबाद अरुली साइड दे भाई। मैं भी दीपेंद्र भाई निका हरियाणा, खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई हम करनाल के अंदर मौजूद हूँ और करनाल में यात्रा निकालने लग रहे हैं दीपेंद्र भाई, और जगह जगह यात्रा चल रही है जिसमें जो हरियाणा मांगे साहब का एक जो स्लोगन है वो वायरल होने लग रहा है, और सब्जी मंडी का है बिल्कुल गेट का ऊपर ही सारे के सारे जो साथी हैं भावी मुख्यमंत्री स्वागतम का जो बैनर लेकर ना पोस्टर लेकर ना खड़े हैं, और दीपक त्यागी के द्वारा यू पोस्टर है भाई वो छपवाया गया है। तमाम जितने साथी हैं उनका बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब, राम राम। अपना परिचय दो भाई साहब। मैं दीपक त्यागी, पूर्व जिला पार्षद, विधानसभा गरौंडा। देखो आप इसकी क्यों मुख्यमंत्री देखना चाहो पहले तो नहीं बताओ। देखिए कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे दावेदारी भी करें, इसी तो न्यू खुद अपना मुंह तो न्यू भी को नहीं गया मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2014 के बाद जब इस प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार को और माताओं बहनों की सुरक्षा की जब भी इस प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में बात आई, और जब से आदरणीय चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी राजनीति हरियाणा प्रदेश की भूमि से स्टार्ट की, तब से युवाओं के बीच रहने का काम किया, जनता के बीच रहने का काम किया, और आज युवा दिलों की धड़कन है। और अपने मुंह से कहा नहीं कहा, आज युवाओं का आज ये एक एजेंडा है, एक जोश है कि उनकी आवाज दीपेंद्र हुड्डा जी जिस तरीके से संसद में दहाड़ते हैं, हम चाहते हैं भावी मुख्यमंत्री को विधानसभा में हम पहुंचाकर मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश की सेवा का मौका दें। जो यात्रा निकलने लग रही है, इस यात्रा तय के कुछ बदलाव आपने लगा, के फर्क पड़ेगा? देखिए यात्रा से बहुत जबरदस्त बदलाव होगा। आज कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत की स्थिति में खड़ी है, लेकिन जो ये यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदयवान जी के नेतृत्व में, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आज यहाँ इस कर्णभूमि से हरियाणा मांगे अभियान का आगाज होगा, तो मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत में कोई दो राय नहीं बचेगी। आज आप देखना लाखों की संख्या में आज पुरानी सब्जी मंडी करनाल के अंदर जनता जनार्दन आई हुई है, और एक शंखनाद आज पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सन्नी गांव कौंड लाइव सरपंच का भाई। अच्छा, तो आपने के लाग गया है दीपेंद्र में, के खास लाग गया तुमने दीपेंद्र में? ये खास है, इन्हें 100-100 गज के प्लाट दिए थे पहले भी, पर अब भी देने वाले हैं। और भाई जो सफाई कर्मचारी थे हर गांव में दो दो चार चार लगाए थे, अब भी लगाने वाले हैं। सीएम सैनी ने भी प्लाटा की घोषणा करी थी, फ्री है योजनाएं तो उनकी भी बहुत सारी। तो नकली है, नकली बंदे ना वोट देंदे ना सपोर्ट देंदे। अच्छा, आपके करनाल में था ईव जो कांग्रेस का प्रत्याशी था बुद्धि राजा, वो तम नारा दिया था, फिर हमने हमने उसका वोट नहीं बहुत सपोर्ट करया, वो उसके किस्मत है। अच्छा हाँ, साथी न्यू पास है यहाँ है ना, आप पीछे क्यों हटेंगे? तो यह तो बात, न्यू पास पास ही पैर टेक है पीछे। यू क्या तो पसंद है? पसंद यो नो है किसी नेता का नो हाथ पकड़ के दिखाइए तो उसके लत्ते नो करके दिखाया जाए तो पसंद है शरीफ फीता है। अच्छा, और इसी पकड़ ले भाई। और पकड़ ले क्यों नहीं पकड़ ले? दूसरा नेता का दूसरे का पकड़ के दिखाइए तो खट्टर का नो कौन सा फरसा मार दो के को नाड़ काट देंगे। अच्छा, और अच्छा यू कुछ नहीं गंदा आप शरीफ नेता, इस जैसा नेता भी नहीं मारा, घना शरीफ है। और क्या नाम है? नहीं मैडम। अच्छा, अपना क्या नाम है? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, सारे के सारे इसके ठहरे हैं दीपेंद्र हुड्डा के? हाँ जी ठहरे जी। तो इसमें के खास लग गए हैं? ना जी, हमारे बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, हाँ कोई काम नहीं कराया जी। मैं तो गांव में बहुत सारी योजना लेकर आए हैं। कोई योजना नहीं है, कागज उठवा दिए सबके आदमी, गरीब आदमी का कागज उठवा दिए ना। हाँ, आपका तो वाड़ा ये तो सीएम सिटी है। सीएम सिटी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कागज उठवा दिए गरीब आदमी का, सब कागज उठवा रखे ना। हाँ, आके इसके अस्सी बजाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सब गरीब आदमी परेशान करती है। हाँ, से भी कारण दिक्कत है। हाँ दिक्कत जी। युवा साथी
इससे क्या उम्मीद है तुमने? उम्मीद अच्छे काम करेगा, हमारे शहर न चमका होगा, हमारे हरियाणा सरकार में अच्छी सरकार आओगी, हमारे हरियाणा का भी नाम और ऊपर जाएगा। बस तो भाई इनका बारे में हमने क्या कुछ लग गया है, किस तरह से इस टाइम पे सिस्टम चल रहा है और इन भाइयों की उम्मीद हमने की उम्मीद लग गए हैं? तो ऑनलाइन कर दी सर आदमी, ऑनलाइन कर दी सरकार ने, 10 साल में तंग आ गए इस सरकार था। अच्छा, पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे अब की बार, देखो। तो हमने क्या कुछ लगा भाई, अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। और तो हमने एक ईसा गजब का मानस था, ये देखो भाई, देख भाई राहुल गांधी जिंदाबाद अरुली साइड दे भाई, मैं भी दीपेंद्र भाई निका रणाणा, राम राम भाई साहब न्यू के दिमाग में आएगी भाई उरान भाई, ये एक न्यायवादी नेता है और बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए हम भाई राहुल गांधी के साथ हैं। अच्छा, दीपेंद्र नहीं, मैं सारे हरियाणा को बोलना चाह रहा हूँ कि सभी ये मान गए कि मैं दीपेंद्र हूँ जब हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार आने वाली है। सारे दीपेंद्र का नाम क्या ले, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं भाई, जितनी हरियाणा में किसान को बारिश की जरूरत है ना, ऐसे हरियाणा में भाई दीपेंद्र की जरूरत है, इसलिए सारा हरियाणा भाई दीपेंद्र के साथ है। अच्छा, हाँ, इस तरह मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद इसे मानस भाई, शरीफ इतना असरापत और विकास दो ही काम करे हैं भाई ने, तीसरा काम तो करे नहीं, किसी सीएम के लड़के को पन्ना उठा के देख लो आप, देखो कैसे मिले, कोई कहीं रुकता था कोई कहीं रुकता था, इस भाई का एक बार जिक्र बता दो कहाँ पे, असरापत और विकास दो ही चीज है इसके पास भाई। हाँ, तो मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होना चाहिए। हाँ भाई साहब, दीपेंद्र भाई होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो भाई देख लो इनकी तो एक के बात है भाई, दीपेंद्र ने मुख्यमंत्री बनाना चाहे हैं, ये प्रांत जो दीपक त्यागी जी के द्वारा छपाए गए पोस्टर भी यहाँ कवे हैं और भाई भी युवा बात कहने लग रहा है। आपने क्या कुछ लगा मुझे भाई साहब, बड़ौदा हल्का से बालू वाला में, बालू मेरा भाई है, मेरे ताऊ का लड़का भाई, बालू वाला बड़ौदा, हाँ मेरे ताऊ का लड़का बालू। अच्छा, हाँ, तो भाई बालू का भाई है यू, और बालू की लाइफ भाई बहुत ज्यादा बदली है उस बंदा की, 20-21 साल कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए तो भगवान है भाई दीपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पार्टी की 20-21 साल सेवा करने के बाद में वो विधायक बनया था भाई, और जबकि बहुत सारे कहने लग रहे थे कि भाई नहीं बन सकता, लेकिन लोगों ने कुछ सोचा और था, वो सचिए बालू लिख गया फिर। वीडियो ने शेयर कर दियो और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।